गुड मॉर्निंग गाइस। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फटाफट बता दीजिए, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? मैं एक बार अपडेट कर देती हूँ, हालांकि मैंने रात में तो मैसेज छोड़ ही दिया था, आई थिंक टेलीग्राम ग्रुप पे। रिवीजन चल रहा है ना आप लोगों का साथ साथ में? बिना मेकअप वाला ग्लो चाहिए। अब ऐड खुल गई तो मैं क्या करूं, आवाज आ रही थी। चलो बताओ फटाफट। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फटाफट क्लास की शुरुआत करते हैं दोस्तों। ठीक है तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हम सबकी एकेडमी ललिता दहिया एकेडमी पे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा दोस्तों, वो होगा संविधान की विशेषताएं। मैं जिक्र करूंगी उसका। सबसे पहले तो स्वागत है आप सबका। फटाफट जुड़ जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया एकेडमी से। यहाँ पे मेरी सारी क्लासेस के लिंक, टाइमिंग, नोटिफिकेशन। आवाज डबल आ रही है क्या? एक मिनट रुको। फिर से जो है ऑपरेशन किया जाएगा, है बस एक सेकंड का समय दे दो। जहां तक इतना वेट किया है, कुछ करके देख लेते हैं। कुछ तुक्का लग जाए तो इस पे क्लिक करते हैं। अब हर बार तुक्का थोड़ी ना लगेगा। बताओ आवाज आ रही है? हर बार तुक्का थोड़ी ना लगेगा। बताओ आवाज आ रही है? लग गया भाई, लग गया। मतलब आप सोच भी नहीं सकते। बहुत बढ़िया। अब मैं टेक्निकली मतलब बहुत ही वो हो चुकी हूँ, सक्षम हो चुकी हूँ, ठीक है ना? चलो, इसलिए कभी हार नहीं माननी चाहिए जीवन में। हालांकि ये सीखा नहीं है, ये तुक्का ही लगा है, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, फटाफट जुड़ जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया एकेडमी से। मेरी सारी क्लासेस के लिंक, टाइमिंग, नोटिफिकेशन, पीडीएफ सब आपको यहीं पे मिलेंगे दोस्तों। इसके अलावा आप मेरे इंस्टाग्राम, मेरे फेसबुक पेज, मेरे लिंक्डइन से भी जुड़ सकते हैं। फटाफट डाउनलोड कर लीजिए ललिता दहिया एकेडमी ऐप को, इंस्टॉल कर लीजिए अपने फोन में। यहाँ पे सबसे पहला कोर्स हम लेके आ रहे हैं, जिसकी क्लासेस 25 जून से शुरू होने वाली हैं दोस्तों। 25 जून से इसकी क्लासेस शुरू होने वाली हैं, पॉलिटी विद करंट अफेयर्स फॉर आईएएस मेंस। देखो, पीटी का पॉलिटी हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, मैं कंप्लीट कराऊंगी आपको यूट्यूब पे। लेकिन जो मेंस का होता है ना, मेंस में जब हम पॉलिटी को पढ़ते हैं तो थोड़ा अलग तरीके से पढ़ते हैं। हम लिखना सीखते हैं, करंट को कैसे एड ऑन करना होता है वो सब सीखते हैं। वो सब मैं आपको कराऊंगी ऐप पे। जिसको भी इस कोर्स को ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं ललिता दहिया अकेडमी ऐप डाउनलोड करके। याद रखिएगा, बेस्ट कंटेंट, बेस्ट अवधारणात्मक समझ, बेस्ट तरीके से लेखन शैली का विकास आप कंटिन्यू मेरे साथ करेंगे दिसंबर तक। मतलब ये ही कोर्स नहीं, दिसंबर तक हम बहुत सारे कोर्सेज को लगभग सेकंड पेपर कंप्लीट कर देंगे, और भी बहुत सारी चीजें, एसे है, फर्स्ट पेपर का काफी पार्ट है, थर्ड पेपर है, सब कंप्लीट कर देंगे, ठीक है? साथ ही 5 जुलाई से दोस्तों इंटरनेशनल रिलेशंस विद करंट अफेयर्स का बैच आ रहा है। जिस भी स्टूडेंट को इंटरनेशनल रिलेशंस समझ में नहीं आता, लिखना नहीं आता, वो जुड़ सकते हैं मेरे साथ इस बैच में। 5 जुलाई से ये बैच शुरू हो जाएगा। इवनिंग में 4:30 से 6 बजे तक क्लासेस रहेंगी, तो इंटरनेशनल रिलेशंस के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं ऐप पे जाके। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और सब्सक्राइब करवा दो, ठीक है? तो दोस्तों बात करते हैं संविधान की विशेषताओं की। हमने अभी तक देखा संविधान का निर्माण कैसे हो गया जी। हमने देखा कि संविधान के निर्माण की सारी प्रोसेस को समझा, प्रस्तावना को समझा। अगला टॉपिक हमारा होता है संविधान की प्रमुख विशेषताएं। आखिर जो हमारा संविधान है उसके अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, अपने कुछ फीचर्स होंगे, अपनी कुछ विशेषताएं होंगी। एक एक विशेषता के ऊपर क्वेश्चन बनता है। याद रखिएगा, यहां से पीटी में भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, और मेंस में तो मैं आपको अलग से कराऊंगी ही किस तरीके से करना है, वहां पे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहली विशेषता है दोस्तों हमारे संविधान की, सबसे लंबा संविधान है हमारा।
विश्व के संविधानों में सबसे लंबा संविधान है। संविधान को दो वर्गों में विभाजित किया है दोस्तों, किया जाता है। एक होता है लिखित संविधान, मतलब जिसको लिखा गया है, बकायदा हर चीज लिखी गई है उसमें, और एक होता है अलिखित संविधान। लिखित संविधान है जैसे अमेरिका का संविधान है, लिखित संविधान है, भारतीय संविधान है, लिखित संविधान है, ब्रिटेन का जो संविधान है वो बेसिकली अलिखित संविधान है। अब भारत के संविधान की बात करें तो लिखित तो है ही, विश्व के सबसे लंबे संविधानों में से एक है भारत का संविधान। आपको जब पता है जब बना था तो उस समय एक प्रस्तावना थी, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी और 22 भागों में विभक्त था। यानी हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो जब कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ था दोस्तों, उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रस्तावना थी, 395 अनुच्छेद थे और आपके 22 भागों में संविधान विभक्त था और साथ ही 8 अनुसूचियां होती थी इस संविधान। अब बाद में संशोधन होते गए और फाइनली आज की डेट में लगभग 365 के आसपास अनुच्छेद हैं, 25 भागों में विभक्त है, 12 अनुसूचियां हैं, 4 अनुसूचियां बाद में बढ़ी। आपको पता है 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूची बाद में संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई। अगली बात, विश्व के किसी भी संविधान में इतने अनुच्छेद और इतनी अनुसूचियां नहीं है। यदि हमारे संविधान की पहली विशेषता आपसे पूछी जाए तो वो यही होगी कि भाई विश्व का सबसे लंबे संविधानों में से एक है हमारा संविधान। अब एक क्वेश्चन पीटी में यहां से बन सकता है, कंसेप्चुअल अगर क्वेश्चन पे आए बनाने के लिए, तो वो ये पूछ सकता है कि भाई हमारा संविधान जो इतना लंबा हो गया, उसके पीछे के कारण क्या है, पता होना चाहिए ना, कि फिर सिर्फ यही याद कर लोगे कि हमारा संविधान सबसे लंबा है, इसमें इतने अनुच्छेद हैं, इतने भाग हैं, इतनी अनुसूचियां हैं, एक प्रस्तावना है ना। आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ पढ़ना है, आपको ये सोचना है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ होगा। हम अमेरिका की तरह एक संक्षिप्त संविधान भी रख सकते थे, आखिर क्या कारण थे जो हमारा संविधान इतना बड़ा संविधान हो गया। तो सबसे पहले ध्यान रखना है दोस्तों भौगोलिक कारण, भारत का विस्तार और विविधता। आप लोगों को पता है कि भारत का विस्तार, आप देखोगे उत्तर से लेके दक्षिण, पूर्व से लेके पश्चिम, भारत का भौगोलिक विस्तार काफी है। साथ ही भौगोलिक विस्तार तो है, उसके साथ विविधता बहुत ज्यादा है, अलग अलग धर्म, जाति, पंथ, संप्रदाय, क्षेत्र, भाषा, बोली, मतलब सैकड़ों टाइप की विविधता हमारे देश में मिलेगी। तो हर वर्ग संविधान से कनेक्ट कर सके, हर वर्ग को ये लगे कि हाँ भाई हमारी बात है, एक ऐसा संविधान बनाना संविधान निर्माताओं के सामने बड़ी चुनौती था। और वो तभी बन सकता था जब हम डिटेल से सारी बातों को संविधान के अंदर समाहित करें। पहली बात समझ में आई, यानी भौगोलिक जो विस्तार है और विविधता सबसे बड़ा रीजन है बड़ा संविधान बनने का। इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण है दोस्तों ऐतिहासिक, इसके उदाहरण के रूप में 1935 के प्रभाव को देखा जा सकता है। यह अधिनियम ऑलरेडी बहुत विस्तृत, मतलब एक दूसरा कारण है संविधान का बड़ा होने का, ऐतिहासिक कारण। और इस ऐतिहासिक कारण में हम 1935 के एक्ट को जब देखेंगे तो 1935 का एक्ट ऑलरेडी बहुत बड़ा था, और यदि हम इंस्पिरेशन ले रहे हैं 1935 के एक्ट से तो पहली बात तो बड़ा होने की बात यहीं पे आ गई। फिर हमें एक बढ़िया संविधान बनाना था जो देश की शासन व्यवस्था को सुचारू ढंग से चला सके, तो हमने अलग अलग देशों के संविधानों से कुछ कुछ ले लिया। तो एक रीजन ये भी है हमारा संविधान बड़ा बनने का, यानी भौगोलिक कारण है, ऐतिहासिक कारण है। तीसरा कारण है जम्मू कश्मीर को छोड़कर केंद्र और राज्यों के लिए एकल संविधान, मतलब अब तो जम्मू कश्मीर भी छोड़ दो क्योंकि 370 हट चुका है, जम्मू कश्मीर में 370 हट चुका है, यानी अब आप ये कह सकते हो कि पूरे देश के लिए एकल संविधान है। अब मान लो ऐसा होता भाई हरियाणा का अलग संविधान है, यूपी का अलग है, झारखंड का अलग है, एमपी का अलग है, राजस्थान का अलग है, तो फिर यह होता कि ठीक है भाई राज्यों से संबंधित जो प्रोविजन है वो तो राज्यों के संविधान में आ गए,
तो उस संविधान को छोटा सा बना देते तो भी काम चल जाता। लेकिन जो हमारा संविधान है वो एकल संविधान है, यानी सभी राज्यों का और केंद्र का एक ही संविधान है। राज्यों के अलग अलग संविधान का प्रोविजन हमारे देश में नहीं है। इसीलिए भी हमारा संविधान बड़ा हो गया, क्योंकि सभी प्रोविजंस को एक ही संविधान में शामिल करना था, केंद्र के और राज्यों के दोनों के। ठीक है, अगली बात है संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व। आपको पता है वकीलों का प्रभुत्व था हमारे संविधान निर्माण में। भूल गई थी, रोज की तरह रोज भूल जाती हूँ। ठीक है, वकीलों का प्रभुत्व था, तो वकील क्या करेंगे, अपने नॉलेज को विस्तृत तौर पे शामिल करने का प्रयास करेंगे हर एक चीज को। तो वो रीजन भी था। अगर आपसे पीटी में कोई क्वेश्चन बनता है कि भाई हमारा संविधान इतना बड़ा है, ठीक है सबको पता है वो क्यों है, तो आपको पता होना चाहिए भाई भौगोलिक कारण है, विविधता है, ऐतिहासिक कारण है, 1935 का एक्ट जिसमें हम देखेंगे, इसमें हम देखेंगे एकल संविधान है और इसमें हम देखेंगे वकीलों का प्रभुत्व है। साथ ही आपको विशेषताओं में एक बात और याद रखनी है दोस्तों, कि जो हमारा संविधान है ना वो इसलिए भी बड़ा हो गया, इसमें केवल मौलिक सिद्धांत ही नहीं दिए गए हैं बल्कि प्रशासनिक प्रावधान भी है। कैसे समझेंगे, मतलब केवल मौलिक अधिकार ही लिख के नहीं छोड़ दिए, उनको लागू कैसे किया जाएगा वो पूरे प्रोविजंस है। केवल विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका लिख के ही नहीं छोड़ दिया गया है, उनके थोड़े थोड़े कार्य लिख के ही नहीं छोड़ दिए गए, संपूर्ण विश्लेषण किया गया है भाई ये काम होंगे केंद्र के, ये इस तरीके से संसद काम करेगी, इस तरीके से राष्ट्रपति काम करेंगे, ये राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, इस तरीके से नियुक्ति होगी, इस तरीके से हटाया जाएगा, इस तरीके से शपथ लेंगे। ठीक है, केंद्र राज्यों के मध्य जो विवाद होगा तो वो कैसे निपटेगा, मतलब प्रोविजंस को ही नहीं लिखा गया है, केवल केवल मौलिक सिद्धांतों को ही नहीं लिखा गया है बल्कि एक एक प्रोविजन को ऐड किया गया है। इसलिए भी हमारा संविधान सबसे लंबा संविधान हो गया। एक एक चीज को समझ के उठना है। मुझे ये बताओ, आप लोगों से अब कोई भी ये पूछे भाई सबसे बड़ा संविधान क्यों है, तो आप बताने में सक्षम होगे, थम्स अप दे दो फटाफट। ठीक है, पहली विशेषता है हमारे संविधान की। हमारे संविधान की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है कि भाई हमारा जो संविधान है हमने विश्व के अलग अलग स्रोतों से, अलग अलग स्रोतों की विशेषताओं को हमारे संविधान में हमने शामिल किया है। जैसे B.R. अंबेडकर, भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया था। अंबेडकर जी का ये कथन है कि जो हमारे संविधान का निर्माण हुआ है वो विश्व के संविधानों के, संविधानों को छानने के बाद किया गया था। इसका क्या मतलब है, हमारे संविधान निर्माताओं ने विश्व के अलग अलग देशों के संविधानों का अध्ययन किया और अध्ययन करने के उपरांत जिन जिन विशेषताओं को हम अपने संविधान में एडॉप्ट कर सकते थे उनको हमने या तो एज इट इज एडॉप्ट कर लिया कुछ को, या फिर बदलाव के साथ एडॉप्ट किया, वो मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। मेरी बात समझ में आई, यानी हमारा जो संविधान है उसमें विश्व के बहुत सारे देशों के बेहतर बेहतर आयामों को भी शामिल किया। दूसरी विशेषता, संविधान का अधिकांश ढांचा, पहली बात तो जो सबसे बड़ा ढांचा, अधिकांश ढांचा 1935 के एक्ट से लिया गया है। ऐसे ही जो संविधान का दार्शनिक भाग जिसे हम कहते हैं, दार्शनिक भाग क्या होता है, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, तो हमको पता है मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हैं, अमेरिका से लिए हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड से लिए हैं। यानी जो दार्शनिक भाग है वो भी हमने लिया। राजनीतिक भाग में यदि हम देखें, संघीय सरकार के सिद्धांत, और संघीय नहीं होगा बच्चे, ये ना लक्ष्मीकांत में भी गलत लिखा है, संसदीय होगा, क्योंकि ब्रिटेन में संघीय शासन तो है ही नहीं ना, ब्रिटेन में तो एकात्मक शासन प्रणाली है। मैं आपको बताऊंगी संघात्मक क्या होता है, एकात्मक क्या होता है आगे आने वाली क्लासेस में। राजनीतिक भाग में जो संसदीय व्यवस्था वाला भाग है वो हमने कहां से लिया, ब्रिटेन से लिया। कार्यपालिका और विधायिका के जो संबंधों की जो बात है कि भाई कार्यपालिका विधायिका के प्रति सामूहिक तौर पे
उत्तरदायी होती है। ये सारी बातें हमने कहां से ली हैं? ये सारी बातें हमने ली हैं कहां से? ब्रिटेन से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगली बात, बहुत सारे स्रोत हैं, मतलब अलग से याद रखना, मेरे ही चैनल पे संविधान के प्रमुख स्रोतों के ऊपर एक अलग वीडियो मिल जाएगा आपको, 10 PM प्रीमियर में मिलेगा शायद वो, ठीक है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आपको याद रखना है कि अलग अलग देशों के संविधान से हमने बहुत कुछ ग्रहण किया है। ये भी हमारे संविधान की एक बड़ी विशेषता है कि हमने विभिन्न स्रोतों से विहित किया है हमारे संविधान। संविधान निर्माताओं ने दूसरे देशों से के लिए गए प्रावधानों में भारतीय आवश्यकताओं के हिसाब से परिवर्तन किए और इस दौरान उनकी विसंगतियों को भी दूर किया। याद रखिएगा, कई आलोचक कहते हैं कि हमने एज इट इज कॉपी कर लिया, तो याद रखना हमने जो सिद्धांत दूसरे देशों के संविधानों से लिए हैं उनमें अपने देश की आवश्यकताओं के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार काफी सारे संशोधन किए। जैसे आप ब्रिटेन, जैसे हमने ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली, यहाँ पे दिया नहीं है, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। जैसे हमने ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली, यदि हम एज इट इज ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली लेते तो मुझे ये बताइए आज भारत में संसद सर्वोच्च होती कि संविधान सर्वोच्च होता? आंसर बताओ फटाफट। यदि हम एज इट इज ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली को बिल्कुल एज इट इज ले लेते तो आज देश में संसद सर्वोच्च होती कि संविधान सर्वोच्च होता? मेरे कहने का ये मतलब है। बहुत ही बढ़िया, याद रखिएगा, संसद सर्वोच्च होती यदि हम एज इट इज लेते तो। हमने एज इट इज नहीं लिया, हमने संसदीय प्रणाली तो ली ब्रिटेन से, लेकिन उस संसदीय प्रणाली को अपने देश के प्रोविजंस के, अपने देश की आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित कर दिया है ना। तो याद रखिएगा आज हमारे देश में संविधान सर्वोच्च है, ना कि संसद। जबकि आप यदि ब्रिटेन में देखोगे दोस्तों, यूके में देखोगे, तो वहां पे वहां की संसद सर्वोच्च है, वहां की संसद कुछ भी कर सकती है, पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष नहीं बना सकती, बस बाकी कुछ भी कर सकती है। और आजकल तो इतनी टेक्निक आगे चली गई कि वो भी बहुत बढ़िया तरीके से कर सकती है। वहां पे संसद सर्वोच्च है, हमारे यहाँ पे संविधान सर्वोच्च है। और भी दो तीन डिफरेंसेस है, जैसे वहां पे जो राष्ट्र के अध्यक्ष हैं वो वंशानुगत होते हैं, भारत में जो राष्ट्र के अध्यक्ष हैं वो निर्वाचित होते हैं। तो हमने एज इट इज नहीं अडॉप्ट किया है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। तो दूसरी विशेषता है, अलग अलग संविधानों से हमने विहित किया है हमारे संविधान। अगली विशेषता है दोस्तों हमारे संविधान की, बहुत बढ़िया विशेषता है कि जो हमारा संविधान है वो नम्यता और अनम्यता का समन्वय है। नम्यता अनम्यता, मतलब नम्यता का मतलब होता है लचीला और अनम्यता का मतलब है कठोर। यानी हमारा संविधान ना तो लचीला है, ब्रिटेन में क्या होता है, संसद बैठी, साधारण बहुमत से कानून बना दिया, वो बन जाता है कानून, मतलब संविधान में हो जाता है संशोधन। और यूएसए में क्या है कि वहां पे संशोधन करने की बहुत कठोर प्रणाली है, संशोधन करना ही बहुत कठिन है। भारत में क्या किया गया? अब जैसे यदि हम यूएसए को कॉपी करते तो भी दिक्कत थी, काल समय परिस्थिति के अनुसार संशोधन ही नहीं कर पाते, इतना कठिन है संशोधन करना। यदि हम ब्रिटेन को कॉपी करते तो भी दिक्कत थी, पता लगे संसद बैठी, ये हो रहा है जी संशोधन, मतलब अभी तक पता लगे 5000 संशोधन हो चुके हो, मेरी बात समझे। तो हमारे संविधान की एक बड़ी विशेषता है कि हमारा संविधान लचीले और कठोर संविधान का समन्वय है। जैसे कठोर या अनम्य संविधान उसे माना जाता है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों, जिसमें संशोधन करने के लिए एक विशेष प्रोसेस की जरूरत होती है, कठिन एक प्रोसेस होती है। उदाहरण के लिए अमेरिका का संविधान, अमेरिका के संविधान में संशोधन करना है तो काफी कठोर प्रणाली होती है। लचीला संविधान वो होता है जहां पे संशोधन करने की प्रक्रिया सामान्य कानून के समान होती है। जैसे आप सामान्य कानून बनाते हो ना, वैसे ही क्या कर सकते हो, संविधान में संशोधन कर सकते हो। अब भारत के संविधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भारत का संविधान ना तो लचीला है और ना ही कठोर है, बल्कि यह दोनों का मिला जुला रूप है। अनुच्छेद 368 में दो तरीके के संशोधनों का प्रावधान है। पहला,
कुछ उपबंध ऐसे होते हैं जिनको संसद विशेष बहुमत के द्वारा संशोधित करती है। और विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है? कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्लस उपस्थित और मतदान देने वालों का दो तिहाई। मैं संविधान में संशोधन की प्रोसेस पढ़ाऊंगी, अभी के लिए समझ लो मैं नए बच्चों को बोल रही हूँ, पुराने बच्चों को बहुत अच्छे से रटा हुआ होगा, मुझे पक्के से पता है। भाई कुछ संशोधन ऐसे होते हैं जिनको संसद विशेष बहुमत द्वारा पारित कर सकती है, और कुछ संशोधन ऐसे होते हैं दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत। और ये तो इसी का मतलब विशेष बहुमत को एक्सप्लेन कर दिया है। कुछ संशोधन ऐसे होते हैं जहां पे विशेष बहुमत तो चाहिए ही, बल्कि आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन भी चाहिए। मतलब परिसंघीय व्यवस्था से संबंधित जो भी मुद्दे होते हैं, ऐसे मुद्दों में संशोधन करने के लिए केवल संसद के विशेष बहुमत की ही जरूरत नहीं है, बल्कि आधे राज्यों के विधान मंडलों की सहमति की भी जरूरत। और कुछ संशोधन तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सामान्य प्रोसेस द्वारा हो जाते हैं, जैसे कुछ प्रावधान ऐसे होते हैं जो आम विधायी प्रक्रिया के तहत सामान्य बहुमत से ही हो जाते हैं। उल्लेखनीय है कि जो ये सामान्य बहुमत द्वारा होते हैं, इसे हम 368 के तहत संविधान संशोधन भी नहीं मानते। जैसे आर्टिकल 2 है, आर्टिकल 3 है, नए राज्यों का निर्माण करना है, विधान परिषदों का निर्माण करना है, तो इस तरीके के जब संशोधन होते हैं तो ये बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया द्वारा हो जाएंगे, इनको हम 368 के तहत संविधान संशोधन भी नहीं मानेंगे। कुछ संशोधन विशेष बहुमत द्वारा होंगे, कुछ संशोधन विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति द्वारा होंगे। समझ में आ रही है बात? तो हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत ही बेहतर तरीके से डिसीजन लिया कि भाई ना तो हम कठोर बनाएंगे संविधान को पूरी तरीके से, और ना ही पूरी तरीके से लचीला बनाएंगे। थम्स अप दे दो अगर समझ में आ गया। बिल्कुल सही बात है ऋतिक, आर्टिकल 2 है, आर्टिकल 3 है, ये सब आर्टिकल शॉर्ट फॉर्म में मैं करवा चुकी हूँ, आपको देख लेना। ठीक है, तो तीन विशेषताएं रटी ही नहीं है बल्कि समझी है आपने। पहली विशेषता सबसे लंबा संविधान है जी, दूसरी विशेषता विभिन्न स्रोतों से हमने संविधान को विहित किया है जी, और तीसरी विशेषता भारत का संविधान लचीले और कठोर संविधान का समन्वय है। ठीक है, तीनों विशेषताएं बहुत अच्छे से पता लग गई। अगली विशेषता है दोस्तों हमारे संविधान की, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। ये जो विशेषताएं आप पढ़ रहे हो ना दोस्तों, ये केवल यहीं पे यूज नहीं होंगी, हम जो अलग अलग टॉपिक पढ़ेंगे ना उसमें भी यूज होगा, लेकिन एक बार यदि आप पूरे संविधान की विशेषताओं को पढ़ लेते हैं तो आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी बेहतर हो जाती है इस टॉपिक को समझने के लिए। आप फिर जितने भी संविधान में प्रोविजंस आएंगे, चाहे संघात्मक व्यवस्था आएगी, चाहे एकात्मक व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था, मौलिक अधिकार, DPSP, मौलिक कर्तव्य, ठीक है, उन सब का एक बेस बन रहा है यहाँ पे। जो भी नए बच्चे हैं इस चीज को ध्यान से सुनिए, ठीक है। चलो, एकात्मकता के साथ झुकाव वाली संघीय व्यवस्था है, यानी कि भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है। आपको पता है भारत में क्या है, भारत में फेडरल सिस्टम है, मतलब एकात्मक व्यवस्था ना होके संघात्मक व्यवस्था है। इसमें संघ के सभी आम लक्षण विद्यमान है, जैसे जो संघात्मक, अब यहाँ पे आपको कुछ कुछ चीजें पता लगेंगी जो कि मैं आपको अलग से भी पढ़ाऊंगी संघात्मक शासन वाली क्लास में, बकायदा याद करवाए जाएंगे, लेकिन अभी के लिए समझ लो भाई संघात्मक व्यवस्था जिस भी देश में होती है वहां के कुछ आम लक्षण होते हैं, यानी ये लक्षण होंगे तभी हम आपको कहेंगे संघात्मक व्यवस्था है। जैसे कि दोहरी सरकार होनी चाहिए, दोहरी सरकार। संघ की एक सबसे बड़ी विशेषता याद रखना दोस्तों, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन, डिवीजन, सेपरेशन नहीं डिवीजन। संघात्मक व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि भाई केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन होगा, डिवीजन ऑफ पावर होगा। यानी पहली विशेषता है संघात्मक व्यवस्था क्यों है भारत में, भारत में दोहरी सरकारें हैं, केंद्र सरकार है और राज्य सरकारें हैं, भाई अलग अलग राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों में काम कर रही है, ठीक, पहली। दूसरी है शक्तियों का विभाजन, इसी में आ गया कि इसीलिए भी भारत में संघात्मक व्यवस्था है। संघात्मक व्यवस्था का एक
बढ़िया लक्षण होता है लिखित संविधान। क्यों होता है लिखित संविधान? अब मान लो केंद्र और राज्यों के बीच में जो सूचियां दी गई हैं, विभाजन किया गया है शक्तियों का, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब कल को संघ कहे कुर्सी पे बैठ के कि भाई मैं हूं संघ और मेरा वचन ही है शासन, और मैं केंद्र सूची के सभी विषयों पे कानून बनाऊंगा, मैं ही बनाऊंगा, राज्य को नहीं बनाने दूंगा। और यदि संविधान लिखित नहीं है तो फिर कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कौन सी केंद्र सूची है कौन सी राज्य सूची है? कलह होता रहेगा ना केंद्र के बीच में और राज्य के बीच में हमेशा। तो इसलिए लिखित संविधान संघात्मक व्यवस्था में होना बहुत जरूरी होता है, ताकि केंद्र के का क्या क्या काम है ये अलग से बढ़िया तरीके से लिखा हो, राज्यों के क्या काम है ये अलग अलग लिखा हो, ताकि दोनों में डिस्प्यूट ना हो कि भाई ये तो मेरा काम है, केंद्र कहेगा ये मेरा काम है, राज्य कहेंगे ना ये मेरा काम है, लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, सुलझाते रहेगा फिर कोर्ट। मेरी बात समझे? तो लिखित संविधान भी संघात्मक व्यवस्था की एक बढ़िया विशेषता होती है और भारत में है। संविधान की सर्वोच्चता अगली विशेषता होती है दोस्तों, एक एक चीज को ध्यान से पढ़ना है। अगली विशेषता होती है संघात्मक व्यवस्था की, संविधान सर्वोच्च है, यानी कि संविधान सर्वोच्च नहीं होगा, संविधान में लिखित प्रोविजन सर्वोच्च नहीं होंगे तो फिर भी कलह की स्थिति बनना लाजमी है। यहां संविधान सर्वोच्च है इसलिए तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये विषय मेरे हैं, ये विषय मेरे, ठीक है। संविधान की कठोरता ये भी बहुत जरूरी है संघात्मक व्यवस्था के लिए। यदि संविधान लचीला हो ना तो संघ क्या करेगा, 2 मिनट लगाएगा संशोधन करने में, आज से सारे जो है ये विषय या आज से ये सारे कार्य हैं हम अधिग्रहित करते हैं और ये कर दिया संशोधन और ये कर दिए साइन, ये लो कर लो बात। तो संविधान की कठोरता संघात्मक व्यवस्था के लिए जरूरी होती है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे परिसंघीय मामले होते हैं, जैसे भारत में भी आप देखोगे संविधान कठोर है कुछ मामलों में। किन मामलों में? जो परिसंघीय मामले हैं, जो राज्यों से जुड़े हुए मामले हैं, ऐसे मामलों में संविधान में संशोधन केवल संसद नहीं कर सकती, आधे राज्यों की सहमति भी चाहिए। मुझे ये बताओ, ये जो मैं समझा रही हूँ कंसेप्चुअली समझ में आ रहा है कि रट रहे हो? एक बार बताओ फटाफट, फिर भूल गए, मैं पढ़ाने में इतनी मशगूल हो जाती हूँ। कोई बात नहीं, ठंडी चाय पीते हैं, है ना। पूरा आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। कंसेप्चुअली यदि नहीं समझा तो फिर मार खा जाओ, रटने से काम नहीं चलेगा भाई। संविधान की कठोरता जरूरी होती है संघात्मक व्यवस्था में, वरना केंद्र बार बार संशोधन कर लेगा जब मर्जी, वो है ना, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, तो वो वाली बात हो जाएगी। अगला है जी स्वतंत्र न्यायपालिका। याद रखना 2021 का क्वेश्चन है आईएएस का, सिर्फ यदि आप देख लेना जाके, मेरे को क्वेश्चन अभी याद नहीं है लेकिन इतना याद है कि सिर्फ यदि आपने इतनी विशेषताओं को समझा है अच्छे से तो 2021 का जो सबसे टफ क्वेश्चन था वो आप गलत नहीं करोगे कभी भी। स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों जरूरी है? अब मान लो 3 सूचियां हैं भाई, मान लो 2 हैं, संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती को अभी छोड़ के चलते हैं। अब केंद्र ने क्या किया, राज्य सूची के ऊपर बना दिया कानून, और स्वतंत्र न्यायपालिका है नहीं तो राज्य कहां जाएं, जाएं तो कहां जाएं, बताओ। यानी कि संघात्मक व्यवस्था की रक्षा करने के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय, एक स्वतंत्र न्यायालय होना चाहिए जो निष्पक्ष तरीके से संविधान के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग डिसीजन दे कि हाँ नहीं भाई केंद्र बहुत गलत बात है जी, आप अपना काम करो, आप राज्यों के कार्यों में क्यों हस्तक्षेप कर रहे हो। तो जब तक स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं होगी तब तक भी संघात्मक व्यवस्था का संरक्षण मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अगला है जी द्विसदनीयता। द्विसदनीयता का मतलब क्या होता है? 2 सदन, दोहरी, एक तरीके से दोहरे सदन, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो ये सारे लक्षण भारत, और भी संघात्मक व्यवस्था के बहुत सारे लक्षण होते हैं जो कि भारत में नहीं है, जैसे दोहरी न्यायपालिका होती है, जैसे कि दोहरी नागरिकता होती है, ठीक है। तो ये सब हम यूएसए के संविधान में देखते हैं जहां पे एक आदर्श संघात्मक व्यवस्था है,
जब हम संघात्मक व्यवस्था के टॉपिक को पढ़ाऊंगी मैं, तब मैं बताऊंगी आप लोगों को। अभी के लिए मुझे ये बताओ, अगर आपसे ये पूछे कि भाई भारत में संघात्मक व्यवस्था है तो क्यों है, आखिर क्यों है संघात्मक व्यवस्था, कैसे कह सकते हो कि भारत में संघात्मक व्यवस्था है, तो आप उसको ये बोल के बंद कर दोगे कि भाई दोहरी सरकार है भारत में, शक्तियों का विभाजन है भारत में, स्वतंत्र न्यायपालिका है भारत में, लिखित संविधान है, संविधान के संशोधन की कठोरता है, ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता है और द्विसदनीयता है। यानी इन सब बातों के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि भारत में संघात्मक व्यवस्था है। आगे, भारतीय संविधान में सबसे बड़ी संख्या में एकात्मकता और गैर संघीय। अब यदि आप लोगों से ये पूछा जाए, आप लोगों को ये कहे कि ये बताओ भाई क्या भारत में पूरी तरीके से संघात्मक व्यवस्था है, तो आप उसको ये कहोगे कि ना भाई, संघात्मक व्यवस्था तो है, लेकिन इस संघात्मक व्यवस्था के साथ साथ जो केंद्र है वो मजबूत है। संघात्मक व्यवस्था यदि आदर्श होती है ना, जैसा कि यूएसए में है, तो वहां पे केंद्र ज्यादा मजबूत नहीं होता, लेकिन भारत में मजबूत केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था है। तो फिर आप उसको समझाओगे कि ये बताओ जी ये कैसे, तो आप उसको बताओगे कि बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं भारत में जहां पे केंद्र मजबूत है, जैसे एक सशक्त केंद्र है, केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां हैं। आप देखोगे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तो आपको ये पता है कि भाई जितने भी महत्वपूर्ण विषय हैं, ज्यादातर जो महत्वपूर्ण विषय हैं वो कहाँ हैं, बताइए फटाफट। बिल्कुल सही बात है रंजेश, केंद्र को ज्यादा महत्व दिया गया है, यानी जितने भी महत्वपूर्ण विषय हैं वो संघ सूची में है। पहली बात तो आप ये बताओगे कि भाई ठीक है, बहुत बढ़िया पॉइंट बता दिया आपने, जितने भी महत्वपूर्ण विषय हैं वो संघ के पास है। दूसरा, आप उसको बताओगे कि एकल संविधान है, मतलब एक संविधान है, अलग अलग संविधान नहीं है, यहाँ पे राज्यों का अलग संविधान नहीं है, केंद्र का अलग संविधान नहीं है, एक ही संविधान है। यदि संघात्मक व्यवस्था हो, आदर्श संघात्मक व्यवस्था, तो हम वहां पे ये कह सकते हैं कि भाई राज्यों का अलग संविधान होता है, केंद्र का अलग संविधान होता है, ठीक। अगली बात, एकल नागरिकता है कि भाई यहाँ पे जो व्यक्ति है वो अलग अलग राज्यों का नागरिक ना होके भारत का नागरिक होता है। जैसे हम हैं, हम हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र वगैरह के नागरिक नहीं है, हम भारत के नागरिक हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, मेरी बात समझे। लेकिन यूएसए में आप जाओगे तो वहां पे दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है वहां के लोगों को, एक तो वो उस राज्य के नागरिक होते हैं जहां से वो होते हैं, और एक वो संघ मतलब पूरे यूएसए के नागरिक होते हैं, है ना। लेकिन भारत में इकहरी नागरिकता है, एकल नागरिकता है। अगला है जी, संविधान का लचीलापन, कुछ मामलों में संविधान में संशोधन सरल होता है, एक तो कुछ मामलों में सामान्य बहुमत द्वारा हो जाता है, और कुछ मामलों में तो बिल्कुल ही विधायी प्रक्रिया वाली प्रोसेस से हो जाता है, जैसे आर्टिकल 2 है, आर्टिकल 3 है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमको ध्यान रखनी है। एकीकृत न्यायपालिका, अक्सर बच्चों को, नए बच्चों सुन लो ध्यान से, अक्सर आप लोगों को इस पॉइंट में बड़ा दिक्कत रहता है, जैसे यूएसए में दोहरी न्यायपालिका की व्यवस्था है, वहां पे राज्यों के अलग न्यायालय होते हैं जो राज्यों के कानूनों के अकॉर्डिंग डिसीजन देते हैं, और केंद्र का अलग न्यायालय होता है। भारत में आपको, कई बच्चों को लगता है कि हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, हाई कोर्ट राज्यों में काम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट संघ में काम कर रहा है, तो ये दोहरी न्यायपालिका है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, भारत में एकीकृत न्यायपालिका है। इसको कैसे समझेंगे, एक तो जिला कोर्ट के बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, अपीलीय सिस्टम दिख रहा है आपको। दूसरी बात आपको देखनी है कि जो हाई कोर्ट्स होते हैं ना, ये केवल उस राज्य के कानूनों को ही नहीं देखते। आईएएस का क्वेश्चन बना है कि केंद्र के कानूनों से संबंधित विषयों पे हाई कोर्ट भी चर्चा करते हैं, कर सकते हैं क्या, करते हैं, मेरी बात समझ में आई। यानी आप क्या समझे, भारत में दोहरी न्यायपालिका है कि इकहरी न्यायपालिका है, ठीक, एकीकृत न्यायपालिका है, रामंचपाल, बिल्कुल सही बात है। अब केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये किसका, एकात्मक व्यवस्था का लक्षण है। राज्यपाल केंद्र के एजेंट के तौर पे काम करते हैं अलग अलग राज्यों में। अब ये राज्य के प्रमुख हैं, मतलब मान लो हरियाणा का राज्यपाल या यूपी, सॉरी हरियाणा के राज्यपाल या यूपी के जो राज्यपाल हैं,
ये यूपी के प्रमुख होंगे आपको पता है, लेकिन ये चुने कहां से जाते हैं? केंद्र से चुने जाते हैं, यानी राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। ये भी कैसा लक्षण है? मजबूत केंद्र का लक्षण है। अखिल भारतीय सेवाएं, आप लोग आईएएस बनके, आईपीएस बनके, आईएफएस बनके आप अलग अलग राज्यों में काम करोगे, लेकिन आपकी नियुक्ति किसने की है? केंद्र की संस्था ने। आपकी नियुक्ति उस राज्य की संस्था ने नहीं की, आपकी नियुक्ति की है केंद्र की संस्था ने। और आपातकालीन प्रावधान, यानी ऐसे प्रावधान 352, 356, 360, ऐसे प्रावधान जब देश का जो शासन है वो संघात्मक से एकात्मक में तब्दील हो जाता है। अब समझो इस बात को ध्यान। ये कह रहा है, ये भाई साहब कह रहे हैं कि चौथी विशेषता ये है कि एकात्मक मजबूत केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था है। तो पहले तो हमने ये देखा कि भाई भारत में संघात्मक व्यवस्था है, ये इसके लक्षण है। अब हमने ये बताया जो आप अपने दोस्त को बता रहे थे, इसको स्टोरी की तरीके से ही समझा करो, ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। जो आप उनको बता रहे थे कि भाई ऐसा है, देख संघात्मक व्यवस्था तो है, लेकिन भारत की एक विशेषता ये है कि भारत में आदर्श संघात्मक व्यवस्था नहीं है, बल्कि मजबूत केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था है। तो उसने आपसे पूछा था ये कैसे, तो फिर आपने बताया कि देखो एक तो सशक्त केंद्र है, केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां हैं, एकल नागरिकता है, एकल संविधान है, संविधान का लचीलापन है, एकीकृत न्यायपालिका है, केंद्र जो राज्यपाल की नियुक्ति है केंद्र द्वारा हो रही है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं और आपातकालीन प्रावधान है, एटसेट्रा एटसेट्रा, और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब मुझे ये बताओ कि यदि आपसे ये मैं पूछूं कि भाई भारत में मजबूत केंद्र के साथ एकात्मक व्यवस्था है कैसे, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि भाई इसीलिए मजबूत केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था है क्योंकि ये बातें हैं? बता दो, थम्स अप दे दो फटाफट। कंसेप्चुअली समझ में आ रहा है बच्चों? और याद रखना बच्चे, यहाँ पे टाइम लेना बहुत जरूरी है, हमको भागना नहीं है, हमको कंसेप्ट समझते हुए चलना है ताकि कभी मार ना खाओ आप लोग, ठीक है? और अगर इस तरीके से नहीं पढ़ा चीजों को तो मुश्किल हो जाती है, इसीलिए क्योंकि आईएएस का जो सिलेबस है वो विशद बड़ा समुंदर है। अगर समझ के नहीं चला तो गोते खाते रहोगे समुंदर में, समझ रहे? तैरना भी मुश्किल होता है समुंदर, ठीक है? तो इसलिए कंसेप्चुअली अपने आप को रिच करो। मेरे हिसाब से मैं ये समझाने में कामयाब हुई हूं कि एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघात्मक व्यवस्था है भारत। बिल्कुल सही बात है विपिन, जैसे विपिन ने एक बात और बोली, ये एग्जाम्पल मैं देना भूल गई थी, जैसे सशक्त केंद्र है ना, जिसमें मैंने आपको बताया कि भाई संघीय सूची है तो संघीय सूची में ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है, राज्य सूची में तो चलो राज्य कानून बनाएंगे, अब संवर्ती सूची भी होती है ना, तो संवर्ती सूची में भी केंद्र और राज्य यदि एक ही विषय पे कानून बना लेते हैं तो केंद्र का कानून मान्य होता है। एक अपवाद है इसका, वो हम अलग से पढ़ेंगे क्या अपवाद है, मतलब यदि राज्य राष्ट्रपति से पूछ ले और राष्ट्रपति सहमति दे दे उस कानून पे तो राज्य का कानून मान्य होता है, ये मैं अलग से बताऊंगी आपको। मोटे तौर पे अभी केवल आप इतना याद रखो। देखो अगली बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, हमारा संविधान संघात्मक है लेकिन हमारे पूरे संविधान में कहीं पे भी संघीय शब्द, फेडरल शब्द का यूज नहीं किया गया है। आपको यदि पीटी में ये दे दे कि संघात्मक व्यवस्था भारत में, संघात्मक व्यवस्था है भारत में तथा इस फलाने अनुच्छेद में संघीय व्यवस्था की बात की गई है, तो संघ शब्द क्या जिक्र किया गया है, तो गलत हो जाएगा। पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कहीं पे भी संघीय शब्द नहीं दिखेगा, फेडरल शब्द नहीं दिखेगा। आर्टिकल एक में आपको क्या शब्द दिखता है कौन बताएगा भाई? सबसे पहले आर्टिकल एक में जब राज्यों के संघ को हम इंग्लिश में बोलते हैं तो क्या शब्द आता है वहां पे, कौन बताएगा? सबसे पहले टॉफी दी जाएगी। राज्यों का संघ तो है इसे, वेरी गुड अनामिका, यूनियन ऑफ स्टेट्स बोलते हैं, याद रखिएगा यूनियन ऑफ स्टेट्स। जैसे दूसरी और अनुच्छेद में जो अनुच्छेद एक है उसमें राज्यों के संघ के तौर पे किया गया है, राज्यों का संघ मतलब यूनियन ऑफ स्टेट्स, संघ शब्द का जिक्र नहीं है, यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात है। और यूनियन ऑफ स्टेट्स के दो अर्थ निकलते हैं दोस्तों, पहला भारतीय संघ, जो भारतीय जो संघ बना है वो राज्यों के बीच सहमति का परिणाम नहीं है कि भाई सारे राज्य बैठ गए चलो भाई पंचायत करते हैं, हाँ भाई क्या कहना है पंजाब जी,
तो भाई बना लिया जाए, ऐसा करते हैं एक संघ बना लेते हैं। अच्छा बिहार जी आपका क्या कहना है, मध्य प्रदेश जी आपका क्या क्या कहना है, तो आपसी राज्य बैठे और सहमति से एक संघ बना दे, जैसे यूएसए बना है, जो यूएसए है ना वो वहां के राज्यों की सहमति से बना है, सारे राज्य मिले और सारे राज्यों को लगा कि भाई ऐसा करते हैं, मिल जाते हैं और एक संघ बना लेते हैं मिल। लेकिन भारत में जो संघ है, भारतीय जो संघ है, वो राज्यों के बीच सहमति का परिणाम नहीं है। पहला निष्कर्ष ये निकलता है यूनियन ऑफ स्टेट्स का, और दूसरा निष्कर्ष यूनियन ऑफ स्टेट्स का ये निकलता है कि किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। यदि किसी राज्य का मुख्यमंत्री ये सपना देखने लगे कि बहुत हो गया मुख्यमंत्री, अब प्रधानमंत्री बनेंगे किसी देश के, तो वो बेचारा सपना भी नहीं देख सकता ऐसा। क्यों? क्योंकि भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है, और यूनियन ऑफ स्टेट्स में किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार है ही नहीं, तो वो सपने भी नहीं देख सकता अलग होने के। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, किसी राज्य यूनियन ही मान के चलो, रंजेश उसका यूनियन ही मान के चलो, संघ शब्द संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं है, फेडरल शब्द नहीं मिलेगा आपको। उसका इंग्लिश भी तो देखोगे ना बच्चे, जब यदि आप मान लो एग्जाम हॉल में बैठे हो तो, और उसका इंग्लिश यूनियन है, तो बिल्कुल यूनियन हमारे संविधान में है, और यदि उसका इंग्लिश फेडरल दे रखा है तो फेडरल हमारे संविधान में नहीं है। मेरी बात समझे रंजेश? ठीक है, तो संविधान की मुख्य विशेषताएं ये आपने देख लिया भाई, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघात्मक व्यवस्था है। अगली विशेषता है हमारे संविधान की सरकार का संसदीय स्वरूप। आपको पता है सरकार के दो तरीके के स्वरूप होते हैं, एक संसदीय स्वरूप होता है, एक अध्यक्षात्मक स्वरूप होता है। भारत में संसदीय स्वरूप को अपनाया गया है, जैसे भारतीय संविधान ने अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली के बजाय ब्रिटेन के संसदीय तंत्र को अपनाया, हमने ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली को अपनाया है। अब आपसे कहूं कि संसदीय प्रणाली क्या है तो उसको हम अलग क्लास में भी पढ़ेंगे, यहाँ पे भी एक बेस बना लो थोड़ा सा। संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय और सहयोग के सिद्धांत पर आधारित होती है। सुनो ध्यान से, जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है ना दोस्तों, वहां पे एक प्रमुख होता है, यानी वहां के राष्ट्रपति ही सर्व प्रमुख होते हैं, और जो संसदीय शासन प्रणाली होती है जैसे कि भारत में है, वहां पे दोहरी कार्यपालिका होती है, एक राष्ट्र प्रमुख होते हैं और एक शासन के प्रमुख होते हैं, या इसे हम कह सकते हैं एक नाम मात्र के प्रमुख होते हैं जैसे कि राष्ट्रपति हैं, और एक वास्तविक प्रमुख होते हैं जैसे कि प्रधानमंत्री। पहली बात। दूसरी बात, जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है दोस्तों, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता होती है सेपरेशन ऑफ पावर, यानी विधायिका है ये, कार्यपालिका है ये, न्यायपालिका है, तीनों अलग अलग है, किसी का किसी के काम में कोई इंटरफेयर नहीं है, यानी शक्तियों के पृथकीकरण, सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत पर आधारित होती है अध्यक्षात्मक प्रणाली। लेकिन जो संसदीय शासन प्रणाली होती है वो समन्वय और सहयोग के, उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर आधारित होती है। यहां से मेंस में भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, मेंस का मैं ऐप पे आपको कराऊंगी अच्छे से। अब जबकि अध्यक्षीय प्रणाली दोनों के बीच, मैंने बता दिया दोनों के बीच शक्तियों का विभाजन नहीं होता, ध्यान रख लेना, ये डिवीजन नहीं होता बल्कि क्या पृथकीकरण होता है, आपको कई चीजें बुक में सही नहीं मिलेंगी, सेपरेशन इसकी इंग्लिश होती है, सेपरेशन के सिद्धांत पे आधारित होती है। संविधान केवल केंद्र में ही नहीं बल्कि राज्य में भी, और जब यदि हमारे देश के संविधान की बात करें, हम विशेषताएं पढ़ रहे हैं, तो जी पहली विशेषता तो देखिए हमने, संसदीय स्वरूप है जी भारत में, और जो संसदीय स्वरूप होता है वो समन्वय और सहयोग पे आधारित होता है विधायिका और कार्यपालिका के, ना कि पृथकीकरण के आधार पे जैसा कि अमेरिका की अध्यक्षीय शासन प्रणाली में होता है। अगली बात हमने देखी कि भाई जो हमारा संविधान है ना वो केवल केंद्र में ही, वो केवल केंद्र में ही संसदीय व्यवस्था की बात नहीं करता बल्कि राज्यों के स्तर पे भी संसदीय व्यवस्था की बात करता है। ठीक है, भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषताएं अब हम देखेंगे कि भारत में जो संसदीय प्रणाली है उसकी अपनी कुछ विशेषताएं होंगी। गर्म पानी की, पहला वास्तविक और नाममात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति। अब संसदीय प्रणाली की ना अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, आपको ये पता होनी चाहिए, बिल्कुल पता होनी चाहिए, और यदि नहीं पता है समझते हुए तो फिर गड़बड़ है,
बेस आपको अपना मजबूत बनाना है। पहली विशेषता होती है संसदीय प्रणाली की, वास्तविक और नाम मात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति, यानी कि दोहरी कार्यपालिका होगी जी, एक वास्तविक कार्यपालिका होगी, एक नाम मात्र कार्यपालिका होगी। जैसे भारत में वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री जी में निहित होती है और नाम मात्र की कार्यपालिका किसमें, राष्ट्रपति में निहित होती है। पहला विशेषता संसदीय प्रणाली की। दूसरी विशेषता होती है बहुमत वाले दल की सत्ता, यानी जिस दल को चुनाव के बाद बहुमत मिलेगा या जिस गठबंधन को बहुमत मिलेगा वही सरकार बनाएगा। अगली विशेषता ये होती है संसदीय प्रणाली। तीसरी विशेषता होती है दोस्तों विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही, सामूहिक उत्तरदायित्व। आर्टिकल 75(3) में साफ साफ ये कहा गया है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी कि पृथ्वीकरण का सिद्धांत नहीं है यहाँ पे कि भाई कार्यपालिका अलग है, हमको आपसे कोई मतलब नहीं है, विधायिका अलग, ऐसा नहीं होता है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व होती है। ठीक है। अगला, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, यानी ये जो विधायिका होती है ना, आपकी संसद होती है ना बेसिकली, मंत्रियों की सदस्यता, यानी जो मंत्री होते हैं ये विधायिका के सदस्य होते हैं। जैसे इसको समझो एक बार, यूएसए में क्या होता है, जो मंत्री होते हैं ना उनको वहां के राष्ट्रपति अपने सहयोगियों में से अपने आप चुनते हैं, और जो मंत्री होते हैं वो विधायिका के सदस्य नहीं होते यूएसए में, लेकिन भारत में जो मंत्री होते हैं वो विधायिका के सदस्य होते हैं। एक जो प्रोविजन है कि अधिक से अधिक 6 महीने तक कोई भी मंत्री बिना विधायिका का सदस्य रहे भी मंत्री बन सकता है। जैसे मैं बैठी हूं अभी, आप अब प्रधानमंत्री जी की नजर पड़ जाए कि भाई बढ़िया पढ़ा रही है लड़की, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़िया कर देगी, है ना, खुश होने में क्या जाता है, होने नहीं वाला ऐसा, लेकिन खुश तो हो ही सकते हैं। और प्रधानमंत्री जी कहें कि ठीक है बच्चे आपको जो है शिक्षा मंत्रालय सौंपा जाता है, मैं भी खुश, और 6 महीने तक मैं संसद की सदस्य तो हूं ही नहीं, ना मैं लोकसभा की सदस्य हूं, ना मैं राज्यसभा की सदस्य हूं, आपके सामने बैठ के पढ़ा रही हूं बस, तो भी मैं 6 महीने तक मंत्री बन सकती हूं। कितना मतलब कितनी खुशी हो रही है ना अंदर से, है ना, तो ध्यान रख लेना, तो भी मैं 6 महीने तक मंत्री बन सकती हूं, लेकिन 6 महीने के बाद अनिवार्य तौर पे मेरे लिए अनिवार्य है, कंपल्सरी होगा कि या तो मैं लोकसभा की सदस्यता ले लूं या मैं राज्यसभा की सदस्यता ले लूं। बुझे मेरी बात को, यानी विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता होना जरूरी होता है, मंत्री विधायिका के सदस्य जरूरी होते हैं संसदीय शासन प्रणाली में। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं होता है, राष्ट्रपति अपने बीच से लोगों को चुनते हैं, अपने मंत्री परिषद के सदस्यों को, और वो जरूरी मतलब वो विधायिका के सदस्य होते ही नहीं है वहां। ठीक। अगला विशेषता होती है जी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व होता है, यानी शासन के प्रधान कौन होते हैं संसदीय शासन प्रणाली में। तो याद रखना, केंद्र में कौन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, और राज्यों में कौन होंगे, मुख्यमंत्री होंगे। अगला है निचले सदन का विघटन। तो हमको पता है जो संसदीय शासन प्रणाली होती है, द्विसदन तो है ही भारत में, लोकसभा और राज्यसभा, तो संसदीय शासन प्रणाली में निचले सदन का विघटन होता है, लोकसभा का हर 5 वर्ष बाद विघटन होता है, नए चुनाव होते हैं, और फिर नए चुनाव क्या होते हैं, नए चुनाव के बाद नई लोकसभा बनती, राज्यसभा स्थायी सदन होता है। तो यदि मैं आपसे ये पूछ ले कोई आपसे कि अच्छा संसदीय शासन प्रणाली पढ़ रहे हो, बताओ फटाफट 5-6 विशेषताएं बताओ, वैसे तो मैं डिटेल में करवाऊंगी ये टॉपिक बहुत अच्छे से, लेकिन अभी आपकी बेसिक समझ बनते चलनी चाहिए। ठीक है, ये बैच टारगेटेड बैच है, याद रखिएगा, अगले 2 साल में मेरा उद्देश्य है कि जो भी मेरे स्टूडेंट हैं कम से कम 10 से 15 रिजल्ट देना है फाइनल यूपीएससी में। बस बकायदा मुझे मेहनती स्टूडेंट चाहिए, वो जुझारू स्टूडेंट चाहिए जो मेरे साथ मेहनत करने के लिए तैयार हो। ठीक है, तो कंसेप्ट बनाते चलो, तो बता दोगे कि भाई वास्तविक और नाम मात्र की कार्यपालिका है, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व है, बहुमत दल का शासन होता है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का नेतृत्व होता है क्रमशः केंद्र में और राज्य में, इसके अलावा
मंत्री जो होते हैं वो विधायिका के सदस्य होते हैं और निचले सदन का विघटन होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये है संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं। संसदीय स्वरूप तो पांचवी विशेषता हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देखा कि भाई ये पूरी पूरी बातें देखी, इसकी विशेषताएं देखी। अब यहां पे मैं बता देती हूं, जैसे भारत ने संसदीय प्रणाली कहां से ली है, ब्रिटेन से ली है, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को फॉलो किया है, फिर भी दोनों में कुछ मूलभूत अंतर है। यहां से क्वेश्चन बनता है, बना है और बनता रहेगा। यानी हमने ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली, लेकिन आंख बंद करके नहीं ली, हमने कुछ डिफरेंसेस के साथ ली। पहला अंतर तो यही होता है कि ब्रिटिश संसद की तरह भारत में संसद संप्रभु नहीं है, बल्कि भारत में क्या संप्रभु है, भारत में संविधान संप्रभु है। यदि हम पूरी तरीके से लेते तो फिर संसद संप्रभु होती हमारे यहाँ पे, फिर मतलब कुछ भी होता है ना, ध्यान रखिए। तो संविधान संप्रभु है, संसद संप्रभु नहीं है, पहला डिफरेंस ब्रिटेन और भारत में। और दूसरा, भारत के जो प्रधान होते हैं दोस्तों, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो निर्वाचित होते हैं, लेकिन ब्रिटेन में जो वंशानुगत, वहां के जो राजा होते हैं वो वंशानुगत होते हैं। बिल्कुल सही बात है आलोक प्रताप, बिल्कुल सही बात है। इंडिया इज अ रिपब्लिक यानी गणतंत्र है भारत। गणतंत्र मतलब जो हमारे प्रधान है वो वंशानुगत नहीं होते, बल्कि वो क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये बता दो मुझे पांचवी विशेषताएं। दिमाग में जा रही है चीजें, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है आप लोगों को, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझे। अभी थम्स अप दे दो भाई। किसी का कोई क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट है तो बीच बीच में पूछ लिया करो, लाइव क्लास का यही मतलब होता है। मतलब मैं ये सोच के चलती हूँ कि आप लोग कहीं अलग अलग राज्यों में नहीं बैठे। यार बड़ी खुशी होती है मेरे पास, अब बच्चा वो मुझे सुन रहा होगा, ईशा अगर मुझे सुन रही है, वेस्ट बंगाल से कॉल आते हैं, उस लड़की का माध्यम बंगाली है, लेकिन वो बोली कि मैम आपसे ही पढ़ना है, मुझे आपसे ही समझ में आता है, मैं बंगाली में लिखूंगी लेकिन पढ़ूंगी आपसे। दो बच्चियां हैं महाराष्ट्र में, एक अमरावती के पास से पूजा अगर सुन रही होगी मुझे, और एक बच्ची का और कल फोन आया था, एक बच्चा है रवि नारायण उड़ीसा से, तो बहुत अच्छा लगता है। असम से स्टूडेंट कई है मेरे पास जो पढ़ते हैं, ठीक है, मृणमोय कुछ नाम है बच्चे का जो असम से पढ़ता है, तो बहुत अच्छा लगता है। आप अलग अलग क्षेत्रों में बैठे हो, लेकिन मैं ये समझ, क्या हो गया, बफिंग हो गई थी, भाग गई थी, अब सही हो गया। ठीक है, राजस्थान मतलब मेरे घर से जहां मैं बैठी हूँ ना, राजस्थान जाने में मुझे एक घंटा लगेगा। ठीक है, राजस्थान की बाउंड्री पे जाने में एक घंटा भी नहीं लगेगा, तो इसलिए मैंने दूर दूर वाले क्षेत्रों की बात की। बाकी तो हरियाणा, यूपी, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, एमपी, बिहार तो है ही। ठीक है, अब सही हो गई भाई, अब सही होगी। प्रमोद यादव झारखंड से देखते हैं। ठीक है, तो समझ में आया। अब आते हैं दोस्तों इसकी एक विशेषता और हम पढ़ते हैं, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। बहुत जरूरी है इसको पढ़ना। देखो, अगली विशेषता है हमारी संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय है। अब संसदीय संप्रभुता का नियम कहाँ पे है, अभी हमने पढ़ा है, बताओ कहाँ पे है संसदीय संप्रभुता का नियम, कहाँ पे है ये बताइए फटाफट। सबसे पहले कौन बताएगा भाई, संसदीय संप्रभुता का नियम कहाँ पे है? बहुत बढ़िया अंजलि, वेरी गुड, याद रखना यूके में है। और न्यायिक सर्वोच्चता का नियम कहाँ पे है? ये यूएसए में है। अब हमने ना तो यूके की तरह संसदीय सर्वोच्चता, संसदीय संप्रभुता को अपनाया कि भाई संसद ही सब कुछ होगी, ठीक है, और ना ही हमने यूएसए की तरह न्यायिक सर्वोच्चता को अपनाया। हमने दोनों के बीच समन्वय करने का काम किया। अब इस विशेषता को पढ़ते हैं कैसे। संसद की संप्रभुता का नियम आपको पता है ब्रिटिश संसद से जुड़ा हुआ है, जबकि न्यायपालिका की सर्वोच्चता का जो सिद्धांत है वो अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया है। दोनों चीजें हमने देखी कि भाई अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय, ये क्या नाम है, न्यायिक सर्वोच्चता की बात है, और ब्रिटेन में संसदीय संप्रभुता की बात है। जिस प्रकार भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से भिन्न है, जैसे हमने देखा भाई भारत की संसदीय प्रणाली, अब तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से भिन्न है ना, क्योंकि भारत में संविधान सर्वोच्च है, ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है। उसी प्रकार जो हमारी न्यायिक प्रणाली है दोस्तों, भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा है वो अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से कम है।
यहीं पे एक बात ध्यान रखना, मैं डिटेल से अलग में न्यायपालिका में बताऊंगी, न्यायिक समीक्षा के दोस्तों दो आधार होते हैं, न्यायिक समीक्षा के दो आधार होते हैं, एक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो कि भारत में है, और एक होती है विधि की उचित प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, इसमें जब भी कोई न्यायाधीश कोई डिसीजन देते हैं तो फिर वो संविधान को आधार के तौर पे रखते हैं, यानी संविधान के उपबंधों के अनुसार ही डिसीजन देते हैं। न्यायपालिका की जो न्यायिक उचित प्रक्रिया होती है, इसमें जो न्यायाधीश होते हैं वो संविधान के दायरों से बाहर निकल के भी डिसीजन दे सकते हैं। यानी हमने न्यायपालिका की स्वतंत्रता तो है हमारे देश में, लेकिन जो न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत है वो ब्रिटेन से यूएसए से कम है, क्योंकि यूएसए में विधि की उचित प्रक्रिया है और भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता और अमेरिका की न्यायपालिका की सर्वोच्चता के बीच उचित संतुलन बनाने का काम किया है। एक और जहां सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के तहत संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, वहीं दूसरी ओर संसद अपनी संवैधानिक शक्तियों के बल पर संविधान के बड़े भाग को संशोधित कर सकती है। इन दोनों के मतलब को समझो, ये बोल रहा है कि हमने न्यायिक समीक्षा भी दी न्यायपालिका को कि न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका द्वारा किए गए कार्यों को वैध या अवैध घोषित कर सके। हमने ये शक्ति दी है किसको, न्यायपालिका को, न्यायिक समीक्षा के तहत। दूसरी ओर हमने संसद को, ये प्लस लिखा है मैंने, काटा मत समझ लेना, संसद अपनी संवैधानिक शक्तियों के बल पर संविधान के बड़े भाग को संशोधित भी कर सकती है। यानी कि संशोधन से न्यायपालिका, यदि वो मूल ढांचे में संशोधन नहीं है तो न्यायपालिका संसद को रोक नहीं सकती, संसद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने के लिए स्वतंत्र है। यानी संसद भी स्वतंत्र है, न्यायपालिका भी स्वतंत्र है, दोनों के बीच समन्वय भी है, अवैध भी घोषित कर सकती है न्यायपालिका संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को। तो मोटे तौर पे हमें यह देखना है कि भारत में संसदीय सर्वोच्चता नहीं है, बिल्कुल क्लियर हो गया, और भारत में न्याय सर्वोच्चता भी नहीं है। यदि हम कहें कि न्यायपालिका एक सर्वोच्च है, भाई अगर न्यायपालिका सर्वोच्च होगी तो न्यायपालिका ही सब कुछ करेगी, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे दोनों के बीच समन्वय है, कानून बनाने का काम संसद का है, संविधान में संशोधन करने का काम संसद का है, जो कि 368 के तहत संसद करती है। और यदि संसद ऐसा कानून बनाती है जो कि अवैध है, तो फिर ऐसे कानून की न्यायिक समीक्षा कौन कर सकती है, न्यायपालिका कर सकती है संविधान के आधार। तो मुझे ये बताओ, यहां तक किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की दिक्कत, किसी भी बालक या बालिका को किसी भी प्रकार की दिक्कत? इसकी अगली विशेषताएं एक बार रिवाइज करा दो फटाफट। देखो विशेषताएं यहां पे, अभी आप इस टॉपिक का महत्व नहीं समझोगे, जब आप अलग अलग टॉपिक्स पढ़ोगे ना तब इसका महत्व समझोगे। संविधान की प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहले हमने देखा कि भाई सबसे लंबा लिखित संविधान है, क्या क्या है, क्यों ये लंबा हो गया, ये सारी चीजें देखी, विभिन्न स्रोतों से हमने लिया है, ये मैं अलग से भी पढ़ा चुकी हूँ, यहाँ पे भी मैंने आपको बताया। नम्यता और अनम्यता का समन्वय है, यानी ना तो लचीला है ब्रिटेन की तरह ना कठोर है, ये सारी चीजें बताई मैंने, कैसे इसमें बहुमत होगा। फिर मैंने आपको बताया एकात्मकता के साथ संघात्मक व्यवस्था है, तो यहाँ पे बहुत डिटेल से मैंने आपको समझाया कि संघात्मक व्यवस्था के क्या लक्षण होते हैं और एकात्मक व्यवस्था के झुकाव क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये विशेषताएं भी भारतीय संविधान में है, अलग अलग मैंने बताया। ठीक है, अब सरकार का संसदीय स्वरूप, सरकार के संसदीय स्वरूप को हमने देखा, तो भाई ये विशेषताएं होती है संसदीय प्रकार, संसदीय सरकार की। तो भारत में संसदीय सरकार है, अध्यक्षात्मक सरकार नहीं है। उसके बाद हमने देखा संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, इसको हम कंटिन्यू करेंगे कल की क्लासेस से। यदि आपने ये संविधान की प्रमुख विशेषताएं अच्छे से पढ़ ली तो फिर आपका काफी एरिया कंसेप्चुअली कवर हो जाएगा। ठीक है, और फिर जब हम अलग अलग टॉपिक में पढ़ेंगे, जैसे संघात्मक व्यवस्था को हम अलग पढ़ेंगे, संसदीय व्यवस्था को हम अलग पढ़ेंगे, तो वहां पे डिटेल से जब पढ़ेंगे तो ये बेस के तौर पे आपको काम आएगा। ठीक है,
क्या बोल रही हूँ मैम, संविधान का दार्शनिक प्रियम्बल। देखो दार्शनिक भाग में बहुत सारी चीजें आती हैं दोस्त, दार्शनिक भाग में प्रियम्बल भी आएगा, डीपीएसपी भी आएंगे और आप मौलिक अधिकारों को भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली प्रियम्बल और डीपीएसपी को हम संविधान का दार्शनिक भाग मान सकते हैं, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है आलोक। शौर्य क्वेश्चन बताओ क्या है, बिल्कुल बिल्कुल स्टेट पीसीएस के लिए होगा इसमें। देखो यार इस चीज को आप लोग समझ के चलो दोस्तों, जैसे यूपी पीसीएस के आप क्वेश्चन उठा के देखो, यूपी पीसीएस अब वो नहीं है कि बिल्कुल सामान्य क्वेश्चन पूछेगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप एसडीएम बन जाओगे। आपने यदि यूपीएससी के लेवल की प्रिपरेशन की है, यदि आपको मतलब कोई ये बोल रहा है कि आप हल्की फुल्की तैयारी से यूपी में सिलेक्ट हो जाओगे, तो आप फिर गलत सुन रहे हो। आपको आईएएस के लेवल की तैयारी करनी ही पड़ेगी, दूसरों से अलग कब हो गया, स्टेट के जो केवल स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं उनसे अलग कब हो गया, जब आप यूपीएससी के लेवल की प्रिपरेशन करो तो फिर आपका यूपी पीसीएस या जितने भी पीसीएस है उनमें सिलेक्शन आसानी से हो जाता है। आपको लेवल वो रखना पड़ेगा। अब आप यदि बीपीएससी के भी आप क्वेश्चन देखोगे तो बीपीएससी भी सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन भाई, एब्सोल्युटली राइट, क्या बात है, कितने शानदार फॉन्ट में लिखा है रामजपाल ने, ठीक है। तो इसलिए पढ़ने के तरीके को बदलो थोड़ा सा, यदि आप एक तो ना कंफर्टेबल जोन से निकलो, आप जो ऐसे सुस्ता के और पसर के पढ़ते हो ना उस कंफर्टेबल जोन से थोड़ा निकलो, थोड़ा जो मैं पढ़ाती हूँ ना उसको साथ साथ में पूरा मत लिखो। जैसे कई बच्चे मुझसे पूछते हैं मैम इसके नोट्स तो आपको पीडीएफ मिल ही जाएगी, जैसे ही ये टॉपिक कंप्लीट होगा मैं आपको पूरी कंप्लीट पीडीएफ दे दूंगी, लेकिन जब आप पढ़ते हो ना तो कुर्सी पे बैठा करो, टेबल पे बैठा करो, पेन कॉपी होनी चाहिए हाथ में, जब पढ़ा रही हूँ तो साथ साथ कुछ पॉइंट लिख लिए, वो ऐसे नहीं कि ये नोट्स बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब आप लिखते हो ना और चीजों को सुनाते हो, क्लास के बाद किसी को पकड़ लो घर में, मम्मी है तो मम्मी को, मम्मी ये देखो, ये होती है संघात्मक व्यवस्था, ये होती है एकात्मक व्यवस्था, भारत में संघात्मक व्यवस्था है लेकिन एकात्मकता के साथ, मजबूत केंद्र के साथ जो है संघात्मक व्यवस्था है, ये इसके लक्षण है, संसदीय शासन प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली के ये लक्षण है। कोई भी फंसे, कोई रिश्तेदार ही आया है ना, उसी को पका दो और फिर उसको बोलो मतलब हम तो ऐसे ही पढ़ रहे हैं, आईएएस की तैयारी नहीं कर रहे हम, ठीक है, ये मत बता देना आईएएस की तैयारी कर रहे हो पीछे पड़ जाएगा वरना, ठीक है, रातों की नींद हराम हो जाएगी उसकी, तो काहे नींद हराम करनी है भाई, ठीक है। अच्छा शौर्य कह रही है मैं अपने हस्बैंड को सुना, बढ़िया है, उनका भी नॉलेज बढ़ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, कल से इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे, मतलब कल फिर ये आगे कंटिन्यू हो जाएगा। जिसको भी सब्सक्रिप्शन लेना है, पॉलिटी विद करंट अफेयर्स क्लासेस 25 तारीख से शुरू होने वाली है, इसमें हम कंप्लीट पॉलिटी पढ़ेंगे, सेकंड पेपर का पॉलिटी वाला पार्ट पढ़ेंगे, इसमें हम आईआर के लिए अलग से क्लासेस शुरू हो रही है, इसमें हम कंप्लीट आईआर पढ़ेंगे विद आंसर राइटिंग, एक अलग ग्रुप बनेगा आप लोगों का, पहले मैं व्हाट्सएप के ऊपर बनाना चाह रही थी, फिर एक बच्ची है मनीषा या किसने मुझे सजेशन दिया और बिल्कुल सही सजेशन था कि व्हाट्सएप ग्रुप नहीं होना चाहिए, टेलीग्राम होना चाहिए, मैंने उनके सजेशन को, टेलीग्राम ग्रुप बनेगा अपना एक अलग से, जो बच्चे इसमें होंगे आंसर राइटिंग का, ठीक है, दोनों का। एक साल मेहनत कर लो, रिजल्ट निकलेगा, जीतेंगे किसी भी कीमत पे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करवा लेना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, ऑल द